हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग qapedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वी मॉडल, एसडीएलसी मॉडल, वी मॉडल। और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है वी मॉडल, डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, व्हाट इज वी मॉडल, हाउ वी मॉडल वर्क्स, एग्जांपल टू अंडरस्टैंड वी मॉडल, एडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल, डिसएडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल, समरी ऑफ द सेशन, क्वेश्चन फॉर द सेशन। सो स्टार्ट करते हैं वी मॉडल। तो हमने लास्ट सेशन में वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि वाटरफॉल मॉडल में कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, वाटरफॉल मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो वाटरफॉल मॉडल अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, तो द फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर होता है उसे लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। फिर कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट हो गया, टेस्टर हो गया, डेवलपर्स हो गया और डिज़ाइन टीम हो गया, तो इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। बिकॉज उनके बीच में कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, तो बहुत बार मिसकम्युनिकेशन होता है और हमारी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है। फिर नो रिक्वायरमेंट चेन। एक बार अगर रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो गई तो उसके बाद उस रिक्वायरमेंट को हम तब तक चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं हो जाता। इवन इफ डेवलपर्स और टेस्टर्स ये सोचते हैं कि रिक्वायरमेंट चेंज होनी चाहिए, तो भी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती है। तो अगर हमें वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेजेस से ओवरकम करना है, ओवरकम करना है, तो हमें एक नया मॉडल चाहिए होता है और उस मॉडल का नाम है वी मॉडल। सो ये देखते हैं कि वी मॉडल क्या होता है। व्हाट इज वी मॉडल? वी मॉडल एक ऐसा एसडीएलसी मॉडल होता है जो कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ईच एंड एवरी फेज को कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज के साथ उसका जो रिलेशनशिप होता है उसको इलुस्ट्रेट करता है, उसको दिखाता है। तो एसडीएलसी मॉडल में डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और टेस्टिंग फेज के बीच के जो रिलेशनशिप को है प्रॉपरली दिखाया जाता है। अब इसको हम वी मॉडल क्यों कहते हैं? वी मॉडल कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप। तो इसका जो शेप होता है वो एक इंग्लिश लेटर वी के वी से एकदम रिजेंबल करता है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लगता है। वी मॉडल भी वाटरफॉल मॉडल की तरह एक सिक्वेंशियल मॉडल है, बट एक डिफरेंस है कि वी मॉडल एक ऐसा टाइप ऑफ मॉडल है जिसमें कि हमारे पास एसडीएलसी और एसटीएलसी दोनों होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल दोनों ही वी मॉडल का पार्ट होते हैं। वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं होता है, वाटरफॉल मॉडल में केवल एसडीएलसी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दिखाया जाता है बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल नहीं दिखाया जाता है। बट वी मॉडल में दोनों को दिखाया जाता है, एसडीएलसी और एसटीएलसी। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि जो वी मॉडल होता है वो एसटीएलसी की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी एम्फोसाइज करता है, एसटीएलसी की इंपॉर्टेंस को भी बताता है। एसटीएलसी होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, तो इसका मतलब जो वी मॉडल है वो टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को भी एम्फोसाइज करता है। तो वी मॉडल डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों के इम्पोर्टेंस को एम्फोसाइज करता है। वी मॉडल को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इस मॉडल में एसडीएलसी और एसटीएलसी दोनों स्टेजेस जो है प्रॉपरली डिफाइन होती है। जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है उसको हम एसडीएलसी स्टेजेस के टाइम पे करते हैं और जो वैलिडेशन प्रोसेस होती है उसको हम एसटीएलसी स्टेजेस के टाइम पे परफॉर्म करते हैं। अब जो वी मॉडल है वो भी एक तरह का सीक्वेंशियल मॉडल है, तो इसको हमें ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज़ करना चाहिए जहाँ पर कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा चेंज ना होती हो या फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत सिंपल हो। तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लो कोई ऑर्डर टेकिंग एप्लीकेशन है किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, तो उस टाइप की एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल होती है, तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम वी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम इसे किसी ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कि क्वालिटी और रिलायबिलिटी बहुत क्रिटिकल हो, जहाँ पर हम टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि जो वी मॉडल होता है वो एसटीएलसी की इंपॉर्टेंस को भी एम्फोसाइज करता है, एसटीएलसी की इंपॉर्टेंस को भी बराबर प्रॉपरली ध्यान में रखता है। तो जहाँ पर भी क्वालिटी और रिलायबिलिटी या फिर टेस्टिंग की ज़्यादा क्रिटिकल नीड होती है वहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट वी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर वी मॉडल का डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका अगर आप शेप देखो तो वी लेटर की तरह बनता है इसका शेप,
इसीलिए इसको हम वी मॉडल बोलते हैं। ओके, यही हमने पढ़ा था कि इसको हम वी मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो वी लेटर की तरह होता है। और आप ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड का एरिया है वहाँ पर SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेजेस दिखाई जाती हैं। और इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेजेस के टाइम पर ये हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। ओके, फिर अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे तो राइट हैंड साइड पर हम दिखाते हैं STLT सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की स्टेजेस, और उस टाइम पर हम क्या करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी मॉडल को हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पर SDLC और STLC स्टेज को प्रॉपरली डिफाइन होता है। वेरिफिकेशन जो होता है वो SDLC स्टेजेस में परफॉर्म होता है, और वैलिडेशन जो है वो STLC स्टेजेस में परफॉर्म होता है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, SDLC स्टेजेस वेरिफिकेशन, STLC स्टेजेस वैलिडेशन। फिर एक और लाइन आती है कि SDLC मॉडल जो होता है वो रिलेशनशिप जो होता है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और टेस्टिंग फेज के बीच में उसको प्रॉपरली इलस्ट्रेट करता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमारी SDLC स्टेजेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, उसमें जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस की स्टेज है इसको हमने यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो कि STLC की स्टेज है उससे बराबर प्रॉपरली मैप किया हुआ है। सेम वे हाई लेवल डिजाइन को इंटीग्रेशन टेस्टिंग से मैप किया है, लोअर लेवल डिजाइन को यूनिट टेस्टिंग से मैप किया हुआ है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप को भी प्रॉपरली इलस्ट्रेट करता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि वी मॉडल काम कैसे करता है। तो जैसे हमें पता है कि वी मॉडल जो है वो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल है, और वी मॉडल जो है वो SDLC और STLC स्टेजेस दोनों को कंसिस्ट करता है। उसमें दोनों स्टेजेस होती हैं, SDLC और STLC दोनों की स्टेजेस होती हैं। वेरिफिकेशन SDLC स्टेजेस के टाइम पे करते हैं और वैलिडेशन STLC स्टेजेस के टाइम पे करते हैं। वी मॉडल रिलेशनशिप बताता है SDLC और STLC के बीच में, रिलेशनशिप को इलुस्ट्रेट करता है। SDLC और वेरिफिकेशन को हम लेफ्ट साइड ऑफ द वी मॉडल पर दिखाते हैं, एंड STLC एंड वैलिडेशन को राइट साइड ऑफ द वी मॉडल पर डिस्प्ले किया जाता है। नाउ अगर आपको ये नहीं पता है कि वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि वो क्या होता है। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग, ये एक टाइप की टेस्टिंग होती है, इसको हम स्टैटिक टेस्टिंग भी बोलते हैं। और जो भी एक्टिविटीज वेरिफिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट को रिव्यू करना, टेस्ट प्लान, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस को लिखना, राइटिंग टेस्ट प्लान, टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस। फिर वैलिडेशन में, वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेस्टिंग, वैलिडेशन भी एक टाइप की टेस्टिंग होती है, इसको हम डायनामिक टेस्टिंग बोलते हैं। और जो भी एक्टिविटीज वैलिडेशन में इन्वॉल्व होती हैं वो है एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस एंड रेजिंग डिफेक्ट, ये दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है SDLC की वो होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और इसको हम मैप करते हैं UAT टेस्टिंग से जो कि STLC की स्टेज है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो वेरी फर्स्ट स्टेज है SDLC की, इसको हमने UAT टेस्टिंग से मैप करके रखा हुआ है। अब इस पर्टिकुलर स्टेज में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो क्या क्या होती हैं कि बिजनेस एनालिस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करता है, और आफ्टर डूइंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस वो दो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिज़ाइन टीम और UAT टेस्टिंग टीम, इन दोनों टीम्स को अवेलेबल हो जाते हैं, अवेलेबल करा दिए जाते हैं, बिजनेस एनालिसिस उनसे शेयर कर देता है। UAT टेस्टिंग टीम जो होती है UAT टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर देती है जो कि इस BRD और FRD के ऊपर बेस होते हैं। फिर UAT टेस्टिंग टीम अपने टेस्ट केसेस को बिजनेस एनालिस्ट से रिव्यू करवाती है, और UAT टेस्टिंग टीम जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करती है रेगुलर बेसिस पे बिजनेस एनालिस्ट के साथ में, सो दैट कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना रहे, कम्युनिकेशन गैप को हम अवॉइड कर सकें। सेकेंड स्टेज होती है SDLC की, वो होती है हाई लेवल डिजाइन स्टेज। ये जो होती है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग से मैप होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑफ SDLC। अब इस स्टेज में जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो क्या होती हैं कि सबसे पहले डिजाइन टीम BRD और FRD रहती है बिजनेस एनालिस्ट से, उनको रिव्यू करती है, और रिव्यू करने के बाद डिजाइन टीम
वर्कफ्लो प्रिपेयर करना स्टार्ट करती है और हाई लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना भी स्टार्ट करती है। और ये दोनों चीज़ें किस पे बेस्ड होती हैं? BRD एंड FRD के ऊपर बेस्ड होती हैं। ओके, उसके बाद डिज़ाइन टीम क्या करती है, ये जो हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग टीम को दे देती है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग टीम क्या करती है, वो टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर देते हैं। ये कौन से टेस्ट केस होते हैं? इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर देते हैं। और ये इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस जो होते हैं वो हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बेस होते हैं। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग टीम कंटिन्यूसली टच में होती है हाई लेवल डिज़ाइन टीम के, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसको रिजॉल्व कर सकें, और यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप भी जो है वो अवॉइड हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है SDLC की, वो होती है लो लेवल डिज़ाइन स्टेज, और लो लेवल डिज़ाइन टीम इस पर काम करती है। इस स्टेज को हम किससे मैप करते हैं? यूनिट टेस्टिंग से मैप करते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेज में जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो ये है कि लो लेवल डिज़ाइन टीम लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करती है। इस लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में किसी भी कंपोनेंट के इंटरनल वर्किंग के बारे में बताया जाता है कि कंपोनेंट इंटरनली कैसे काम करता है। और डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपर्स यूनिट टेस्ट केसेस प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, और ये जो भी यूनिट टेस्ट केस होते हैं वो लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होते हैं। और डेवलपर्स क्या करते हैं, कोडिंग भी करना शुरू कर देते हैं जो कि लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होती है। तो ये तीन एक्टिविटीज होती हैं जो लो लेवल डिज़ाइन स्टेज पे परफॉर्म होती हैं। अभी हमारा SDLC खत्म हो गया और हमारा STLC स्टार्ट होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल खत्म, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है STLC की, वो होती है यूनिट टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग में जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो ये है कि हम ईच एंड एवरी मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं यूनिट टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, तो हम एप्लीकेशन टेस्ट नहीं करते हैं, हम कोड टेस्ट करते हैं, कोड प्रॉपरली लिखा है या नहीं। हम ईच एंड एवरी कंपोनेंट के कोड को टेस्ट करते हैं यूनिट टेस्टिंग में। और जो डेवलपर्स हैं वो यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, टेस्टर्स परफॉर्म नहीं करते हैं यूनिट टेस्टिंग। अब जो सेकेंड स्टेज होती है SDLC की, वो होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो ये होती है कि हम दो या उससे ज़्यादा मॉड्यूल्स को या कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद उनको हम टेस्ट करते हैं, ये हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है वो हम जिस टेस्ट केसेस से करते हैं वो टेस्ट केसेस जो होते हैं हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होते हैं। इन टेस्ट केसेस को हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर लिखा जाता है। अब जो लास्ट स्टेज होती है STLC की, वो होती है सिस्टम टेस्टिंग या फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में सिस्टम टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में, वो क्या होता है कि यहाँ पर हम पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं। ओके, क्योंकि सारी की सारी यूनिट जो है वो इंटीग्रेट हो जाती हैं सिस्टम में, और उसके बाद ये एक रियल एप्लीकेशन की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं इस स्टेज पर। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, ये टाइम होता है जब हम एप्लीकेशन को सेम तरीके से यूज़ करते हैं जैसा कि इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ करेगा, एंड यूज़र इसको जैसे यूज़ करेगा, तो उसी तरीके से हम इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। और इस स्टेज में जब हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं तो जो टेस्ट केसेस हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए, ये टेस्ट केसेस BRD और FRE डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके से जो वी मॉडल है हमारा काम करता है। ओके, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड वी मॉडल। अभी अगर हमें वी मॉडल को अच्छे से समझना है तो हम उसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे। तो मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन का। इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं लाइक साइन अप, साइन इन, प्लेस ऑर्डर, सेलेक्ट प्रोडक्ट और ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। इन सारी फंक्शनैलिटीज को हम क्या कहते हैं, हम रिक्वायरमेंट कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट की लैंग्वेज में। तो मान लो हमारे पास ऐसी कुछ 100 रिक्वायरमेंट्स हैं। इन वी मॉडल में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं। तो मान लो हमने कुछ 25 हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स को लिया, और इन 25 हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट से हम हमारा एक फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर विद MVP बना सकते हैं। MVP का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। सो MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट हम बनाते हैं जिसमें सारे के सारे फीचर्स तो नहीं होते हैं
बट उसमें मिनिमम फीचर्स होते हैं ताकि हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्शन में लॉन्च कर सकें और एंड यूज़र उसे यूज़ कर पाए। कम से कम इतने फीचर्स तो होने चाहिए प्रोडक्ट में, उसको हम कहते हैं MVP। तो वी मॉडल में सबसे पहला काम होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, और वो काम करता है बिजनेस एनालिस्ट। सो बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने का काम करता है, और मान लो ये काम करने में ना 15 डेज ऑफ टाइम लगता है। एक बार ये हो जाता है तो मतलब बिजनेस एनालिसिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद BRD और FRD क्रिएट होते हैं, और BRD और FRD जो होते हैं वो UAT टेस्टर्स को दिए जाते हैं ताकि वो अपने UAT टेस्टर्स को लिखना शुरू कर दे। इससे क्या होता है, जो टेस्टर्स हैं दे आर नॉट सिटिंग आइडल, वो खाली नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। सो आफ्टर दिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम डिज़ाइन टीम को देते हैं। बिजनेस एनालिस्ट वो डिज़ाइन टीम को देता है, और डिज़ाइन टीम क्या करती है, BRD और FRD को अच्छे से एनालाइज करके रिव्यू करके उसके बाद वर्क फ्लो जनरेट करती है और हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को जनरेट करती है। और हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को जनरेट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स वो SIT टेस्टर्स को दे देती हैं, तो SIT टेस्टर्स अपने टेस्ट केस लिखना शुरू कर देते हैं। तो मान लो हाई लेवल डिज़ाइन टीम को भी कुछ 15 डेज ऑफ टाइम लगता है ये सब करने में। उसके बाद हमारी डेवलपमेंट टीम होती है, डेवलपमेंट टीम क्या करती है, लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लिखती है, कोडिंग करती है, और उसके अलावा यूनिट टेस्टिंग करती है। तो ये सारे काम करने में मान लो हमारी डेवलपमेंट टीम को 1 मंथ ऑफ टाइम 1 मंथ ऑफ टाइम लगता है। इसके बाद जो हमारी इंटीग्रेशन टीम होती है वो क्या करेगी, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करती है। तो मान लो इसमें भी कुछ 15 डेज ऑफ टाइम लगता है। फिर हमारे UAT टेस्टिंग टीम है, वो हमारे यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टीम जो है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट केसेस को UAT टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करती है, और उनको भी 15 डेज ऑफ टाइम लगता है। तो आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च है उसको भी सपोज 2 वीक्स ऑफ टाइम या 15 डेज ऑफ टाइम लगता है। तो जो हमारा फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर है वो हम 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर कर सकते हैं, और इतना टाइम जो है ये वाटरफॉल मॉडल से बहुत कम है। वाटरफॉल मॉडल हमें 1 साल लग रहा था, और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वर्किंग मॉडल है वो 3 to 4 मंथ्स में लॉन्च हो गया। अभी देखते हैं एडवांटेज ऑफ वी मॉडल। सो देखते हैं एडवांटेज ऑफ वी मॉडल। फर्स्ट एडवांटेज है क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंसर्न टीम्स। तो जो भी कंसर्न टीम्स होती हैं, जैसे कि हमारा UAT टेस्टर होता है, तो UAT टेस्टिंग टीम होती है, UAT टेस्टिंग टीम को जो है एप्लीकेशन को जो टेस्ट करना होता है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करना होता है। तो UAT टेस्टर को हमेशा बिजनेस एनालिस्ट के कनेक्शन में रहना चाहिए, हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए एंड कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। सेम वे जो सिस्टम डिज़ाइन टीम होती है उसे बिजनेस एनालिस्ट के साथ और SIT टेस्टर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए और हमेशा कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। तो जो वी मॉडल है वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी कंसर्न टीम्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कम्युनिकेट प्रॉपरली कर रहे हैं। फिर सेकंड एडवांटेज होता है लेस टाइम कंजम्पशन देन वाटरफॉल मॉडल। सो अगर हमें हमारा फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, तो अगर हम वी मॉडल का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने में कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। आइडल टाइम रिड्यूसर्स। तो जो हमारे UAT टेस्टर्स होते हैं वो टेस्ट केसेस को रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में ही लिखना शुरू कर देते हैं। सेम वे जो SIT टेस्टर्स होते हैं वो ये काम डिज़ाइन फेज में शुरू कर देते हैं। तो वी मॉडल क्या करता है, जो आइडल टाइम होता है, खाली टाइम होता है, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, और वाटरफॉल मॉडल में ये टाइम बहुत ज़्यादा होता है। एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। तो ये एक फोर्थ एडवांटेज होता है वी मॉडल का कि ये टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वी मॉडल जो होता है वो जो टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस होती है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करता है। इससे ये होता है कि जो भी पोटेंशियल डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अदरवाइज अगर वो डिफेक्ट लेट आइडेंटिफाई करो तो उनको फिक्स करना बहुत ही डिफिकल्ट या एक्सपेंसिव होता है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, ये हमारा फिफ्थ एडवांटेज है। तो वी मॉडल में क्या होता है, टेस्टिंग और डेवलपमेंट को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो टेस्टिंग है राइट फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो टेस्टिंग को हम वेरिफिकेशन के फॉर्म में करते हैं ड्यूरिंग SDLC स्टेजेस, और वैलिडेशन के फॉर्म में करते हैं ड्यूरिंग STLC स्टेजेस। इस तरीके से यह इंटीग्रेट होता है टेस्टिंग टेस्टिंग और डेवलपमेंट का। फिर होता है इंक्रीज्ड क्वालिटी।
जैसा कि हमको मालूम है कि वी मॉडल जो है वो टेस्टिंग के इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता है। तो जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर हम वी मॉडल यूज़ करें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। वी मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है नो रिक्वायरमेंट चेन। तो एक बार अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज ओवर हो गया तो उसके बाद हम रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक कि हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो जाए, और हमारा फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर लॉन्च होने में 3 to 4 months ऑफ टाइम तो लग ही जाता है, तब तक हम रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। टाइम सो वी मॉडल में जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल, बट स्टिल जो टाइम है वो इनफ नहीं होता है, और इसीलिए एक नए टाइप ऑफ मॉडल की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं एजाइल मॉडल। फिर होता है डॉक्यूमेंटेशन ओवरलोड। सो जो वी मॉडल होता है उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके कारण डॉक्यूमेंटेशन ओवरलोड भी होता है। फिर होता है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी अनलाइक एजाइल अप्रोच। सो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है उतनी वी मॉडल। सो वी मॉडल उतना फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि हम रिक्वायरमेंट तो चेंज कर नहीं सकते हैं वी मॉडल में। सो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर कि रिक्वायरमेंट चेंज अलाउड होती है या बार बार रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो वहाँ पर हमें केवल एजाइल डेवलपमेंट अप्रोच ही यूज़ करना चाहिए। सो अब देख लेते हैं समरी ऑफ द सेशन। सो आज जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं हमारे सेशन में वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, व्हाट इज वी मॉडल, हाउ वी मॉडल वर्क, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड वी मॉडल, एडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल। और जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो है एक्सप्लेन वी मॉडल वर्क, वी मॉडल की वर्किंग को एक्सप्लेन करो। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए सेशन के तो आप इस ब्लॉग में जाके ले सकते हो। थैंक यू।